हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डन ऑफ कविता में। और दोस्तों, आज मेरी वीडियो में आप देखेंगे मेरे जितने भी DIY हैं वो एक ही फ्रेम में, एक साथ और एक वीडियो में। वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि वीडियो में आप मेरे जितने भी DIY हैं वो मेरे एक साथ देखेंगे और वो बहुत ही इतने सुंदर सुंदर क्यूट से हैं। और इनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से, कौन सा पेंट यूज़ करके, किस तरीके का जो बॉक्स वगैरह है या बॉटल है मैंने यूज़ करी है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये एक साथ एक फ्रेम में, और मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी। इसीलिए ही मैंने ये स्टैंड बनवाया था, ताकि जब मैं एंट्री करती हूँ ना अपने गार्डन में, तो ये सब चीज़ें मैं देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद की मेहनत है और ये मेरे खुद के बनाए हुए DIY हैं। जो कि वेस्ट चीज़ें होती है, जो लोग फेंक देते हैं इन चीज़ों को, वो मैंने यूज़ किया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होती है उस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों, DIY मतलब डू इट सेल्फ, अपने द्वारा बनाए हुए ये जो चीज़ें हैं वो मैं आज आपको शो करूँगी अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ से कौन सी चीज़ें बनाई हैं, कौन सी बॉटल से, कौन से डब्बे से और कौन सा पेंट यूज़ करा हुआ। सबसे पहले जो मेरा DIY है ये है, देखिए आप, ये क्यूट से ये डब्बों से मैंने बनाया हुआ था। इसको इमोजीज वगैरह बना रखे हैं, आप स्माइली का बनाएं या सैड का बनाइए, तो मैंने अलग अलग इसकी शेप दे रखी है, फेसेस के फीचर्स बना रखे हैं। तो दोस्तों, जो मेरी फर्स्ट ये है ना, ये मैंने बनाई है, जो आप बर्जर की बाल्टी आती है ना पेंट की, उससे बनाया है ये मैंने। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो आप इनकी आइज़ देख रहे हैं ना, ये मैंने जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स के ढक्कन होते हैं ना, उनसे बनाया है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बन जाती है। ये पीनट बटर का डब्बा है, ये जो हमारी ब्लैक नर्सरी जो आते हैं ना पॉट आते हैं उनसे बनाया हुआ है, ये चमन प्राश का डब्बा है। तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं। मतलब मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, हर चीज़ का रीयूज़ होता है। और क्यों हम फेंके जब हमारे गार्डन में इतने प्यारे प्यारे इससे चीज़ें बन सकती हैं। तो ये फर्स्ट जो DIY है वो मैंने ये दिखाया, और इन सब की वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं। आप अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। और दोस्तों, सेकेंड DIY है, देखिए आप, ये जो नर्सरी पॉट आता है ना, उससे मैंने जो जूट की डोरी वगैरह, ये सब आपको जहाँ पे मशीन वगैरह का सामान मिलता है ना दोस्तों, वहाँ आपको मिल जाएगा। आपको ये हार्डवेयर की शॉप पर भी मिल जाएगी जूट की डोरी वगैरह। तो मैंने ये ग्लू गन की हेल्प से इसे एक डिज़ाइन दिया है, और देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। इसमें माउंटिंग जू मैंने डाल रखा है, हैंगिंग कुछ मैंने बना रखा है इसको, तो ये भी बहुत प्यारा DIY है मेरा। दोस्तों, नेक्स्ट DIY है जो मेरा बॉटल्स का है, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स, जो लिमका की बॉटल्स आती है ना, तो देखिए मैंने इसे भी एक अलग से शेप दे रखी है। और यहाँ पे भी मैंने इसको राउंड राउंड शेप, देखिए कितना प्यारा बना रखा है। अभी जो इसके प्लांट्स है ना, वो है ये यूफोरबिया मिली कहते हैं जिसको, तो अभी ना मैंने लगाए थे तो उसके पत्ते वगैरह झड़ गए, क्योंकि उसका सीज़न अभी नहीं था। अब फैब में इसके दोबारा से पत्ते आ जाएंगे, तो ये दोबारा से बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरीके से देखिए ये प्लांट है ना यूफोरबिया मिली का, तो इस टाइप से, तो ये बहुत अच्छे से सुंदर लगेगा जब इसमें प्लांट अच्छे से खिल जाएगा। तो ये है। और नेक्स्ट दोस्तों, ये मेरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ही है। तो ये भी देखिए एक ही बॉटल से बनाया हुआ है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम आपने दो बोटलें कैसे यूज़ करिए, तो बट ऐसा नहीं है, ये सिंगल बॉटल से है। इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए कितनी प्यारी सी स्माइली है। और ये है मेरे जो फूड कंटेनर होते हैं ना, मैंने उससे बनाया हुआ है। ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और नेक्स्ट दोस्तों, ये DIY, ये भी मैंने एक चश्मिश बाबू जी बना रखे हैं। तो ये भी एक नर्सरी वगैरह से, जब मैं छोटे छोटे प्लांट्स लेके आती हूँ ना, आप सकुलेंट प्लांट्स लेके आएंगे ना, तो उसमें छोटे छोटे आते हैं पॉट, तो उसमें मैंने बना रखा है। ये हमारा जो मिट्टी का जो पॉट आता है ना, उससे मैंने बना रखा है। ये भी नर्सरी वगैरह से आते रहते हैं, तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। फिर मैं इसमें इस टाइप के, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं चश्मिश जी। तो इसमें भी मैंने इसमें कैक्टस लगा रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये चमन प्राश के डब्बे हैं, जो दो दो किलो के डब्बे आते हैं चमन प्राश के, तो उन्हें मैंने इस टाइप का रूप दे रखा है। इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखे हैं, तो ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये है मेरे बत्तख, दो बत्तख बना रखे हैं। ये भी मैंने सफोला की केन से बना रखे हैं, तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब मैं एंट्री करती हूँ ना, आप मानो कि नहीं, मेरा दिन बन जाता है। मेरे पूरे दिन की थकान मिट जाती है इन्हें देख के, तो बहुत सुंदर लगते हैं। आप भी इन्हें ट्राई कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी मैंने यूफोरिया मिली लगा रखा है। और दोस्तों, ये देखिए आप, ये जो हमारे स्टैंड्स होते हैं ना ब्रशेज़ वगैरह रखने के लिए, तो मैंने उसका यूज़ करा हुआ है। ये देखिए वेस्ट था, तो मैंने इसको इसमें स्नेक प्लांट लगा दिया, तो ये भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी बॉक्सेज है, सब फूड कंटेनर वगैरह हैं, तो इसमें मैंने, ये देखिए आपको, अगेव प्लांट लगा रखा है। और देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, इतना हैवी, और आप देखिए इतने छोटे कंटेनर में भी इतनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और इसमें मैंने ये लगा रखा है मैक्सिकन पेटोनिया, तो अब ये गर्मियों में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, तो ये भी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये कैट्स, टू कैट्स हैं ये। ये भी मैंने लिमका की बॉटल, मिरिंडा की बॉटल्स जो आती है ना, उनसे यूज़ करा हुआ है। देखिए इनके ईयर भी बना रखे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो नर्सरी से जो पॉट्स आते हैं ना छोटे छोटे, उनको मैंने पोलका डॉट वगैरह से इतना प्यारे से डेकोरेट कर रखा है। आप देखिए इसमें अलग अलग कलर दे रखे हैं, अलग अलग शेड दे रखे हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं। मतलब हम छोटे पॉट्स में छोटे प्लांट्स लगाएं और बड़े पॉट्स में बड़े, उस तरीके से हमें प्लांट का जो सिलेक्शन करना पड़ता है, पॉट्स का सिलेक्शन करना पड़ता है प्लांट्स के अकॉर्डिंग। तो ये हैगा, ये भी मैंने जेड प्लांट का इसमें लगा रखा है। और नेक्स्ट दोस्तों, कितना प्यारा सा है ये, फ्लावर जैसा बना रखा है। ये भी मेरा सिंगल ही बॉटल से बनाया हुआ हैगा। तो देखिए दोस्तों, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। इन सब की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है,
और नेक्स्ट है दोस्तों ये चश्मिश आंटी, अभी लास्ट मैंने कुछ दिनों में इसकी वीडियो डाली हुई थी। ये भी मैंने सफोला की केन से बनाई हुई है। देखिए दोस्तों इसका मैंने चश्मा भी बनाया हुआ है। ये मैंने वायर आती है ना, आपको ये वायर मिलेगी जहाँ पे बिजली वगैरह का सामान मिलता है वहाँ पे आपको ये वायर मिल जाएगी। तो ये वायर से मैंने चश्मे का रूप दे रखा है इसको। और देखिए दोस्तों इसमें मैंने एक प्लांट लगा रखा है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है मुझे। आते ही मुझे देखती है चश्मे शांटी गेट से एंट्री करते ही। और ये देखिए दोस्तों कुल्हड़ होता है ना, कुल्हड़ से बना रखा है। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, गर्मियों में विंटर्स में भी इसकी ग्रोथ ऐसी ही रही, इतना ही हरा भरा रहा। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरा टैंगलैंड वाइन करके है जो ये प्लांट, अब मैं इसको बास्केट में भी लगा सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, तो ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं। तो और नेक्स्ट दोस्तों ये भी हैगा मेरा डिश वॉश की जो केन थी उससे मैंने ये देखिए प्लांटर बना रखा है। तो ये भी देखिए कितना प्यारा फ्लावर बना के ऐसे, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। इन सब की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। और देखिए दोस्तों ये हैं ट्रू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं ये और एक लड़का एक लड़की, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये भी ना देखो तिरछी तिरछी नज़रों से इसको देख रही है, और ये भी मुझे बहुत क्यूट लगता है। तो ये भी मैंने फूड कंटेनर से बना रखा है। और दोस्तों आपको कोई भी DIY में प्रॉब्लम हो और पूछना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और, जो मैं बेस कलर करती हूँ ना वो मैं करती हूँ जो इनेमल कलर होते हैं ना बर्जर कंपनी के या कि अदर भी किसी और कंपनी के भी हूँ, बट मैं वैसे बर्जर कंपनी के करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली भी नहीं होते हैं और नॉर्मल होते हैं, तो मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। हाँ जब मैं फीचर्स वगैरह बनाती हूँ जैसे आँख कान नाक वगैरह बनाती हूँ तो मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम इन्हें इनेमल कलर से बनाते हैं ना तो ये बहने लग जाते हैं और जो हमारा फेस है वो सब खराब हो जाता है। तो जो फीचर्स वगैरह वो मैं बनाती हूँ एक्रेलिक कलर से। अब जैसे कि मैंने इसमें आंटी है ये, तो ये सफोला की केन तो ऑरेंज ऑरेंज टाइप की होती है, तो मैं उस पर मैंने जो कलर करा है ये बेस कलर, तो ये क्या है इनेमल कलर है जो हम गेट वगैरह में यूज़ करते हैं वो पेंट मैं यूज़ करती हूँ। हाँ अगर मैं फीचर्स वगैरह बनाती हूँ तो या तो मैं परमानेंट मार्कर ले लेती हूँ और नहीं तो मैं एक्रेलिक कलर लेती हूँ ब्रश वगैरह की हेल्प से इसे बनाती हूँ। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए एलिफेंट, एक नहीं दो दो, ये भी मैंने वीडियो अभी जस्ट डाली हुई है। तो ये भी सफोला की केन से ही बनाई हुई है, तो आप सोच रहे होंगे कि सफोला की केन ही क्यों बनाते हैं, तो स्पेशली क्योंकि दोस्तों मैं यूज़ करती हूँ सफोला, तो मेरे पास बहुत सारे कंटेनर हो जाते हैं, तो मैं कभी भी कबाड़ी वाले को नहीं बेचती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती हूँ। तो बहुत सुंदर है और देखिए ना ये टिकाऊ भी है, टूटे भी नहीं है। तो ये दो एलिफेंट बना रखे हैं, जो इसमें पेंट करा हुआ ना दोस्तों वो मैंने करा है स्प्रे पेंट। तो देखिए ये भी बना रखे हैं, और तो ये भी बहुत सुंदर, ऊपर से देखिए मैंने इसके लिए प्लांटर भी बना रखा है ताकि मैं प्लांट्स लगा सकूँ। इसमें मैंने वांडरिंग जू शिफ्ट कर दिया है, पहले मैंने इसमें कटिंग लगा रखी थी कोलियस की, तो पता नहीं किसी से गिर गया ये टेरिस पे आके तो वो खराब हो गई कटिंग, तो अब मैंने इसमें वांडरिंग जू लगा दिया तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये कैट, ये देखिए, ये भी देखिए चश्मिश, तो ये भी कितने प्यारे से लग रहे हैं। इसमें मैंने लगा रखा है पत्थर चट्टा का प्लांट, तो ये ना हमेशा मैं प्लांट वगैरह चेंज नहीं करती हूँ, थोड़ा सा सर्दियों में अगर ख़राब भी हो जाए हल्के हल्के से सूखे सूखे से, मगर गर्मी आते ही देखिए दोस्तों कितने अच्छे से होने लग जाते हैं। अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है तो इनके पत्तों में अलग सी शाइन आने लगी है। तो ये देखिए दोस्तों ये भी कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ये मेरी टूटी हुई एक, मेरा किचन में मैं यूज़ करती थी तो टूट गया था, तो मैंने इसे भी हल्का सा क्रैक था ये देखिए, तो मैंने इसे भी यूज़ कर लिया है। तो इसमें मैंने ये देखिए डिज़ाइन बना दिया है, तो इस तरीके से मैंने इसे भी यूज़ करा। अब मैंने इसको हैंगिंग बास्केट भी बना रखा था, फिर मैंने इसकी जो चेन वगैरह है वो हटा दी। तो देखिए दोस्तों ये है हांडी वगैरह, हाँ तो ये पूजा वगैरह में या हम बाहर से खाना वगैरह मंगाते हैं तो उसमें आती है, तो इसे भी मैं ख़राब नहीं करती हूँ, इसमें मैं अपने प्लांट्स लगा देती हूँ। अभी इसमें पोचुलका लगा रखे हैं, मगर ये है 9 to 5 वाला, मगर अभी ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। अब गर्मी आती है फरवरी के फरवरी आ गई, अब ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है इसमें, आप देखते ही हैं। तो और नेक्स्ट दोस्तों ये मैंने बना रखा है, ये देखिए मनी प्लांट का मैंने ऐसे ट्री गार्डनिंग करी हुई है छोटी सी। तो ये देखिए ये भी इतना प्यारा लग रहा है, इसको मैंने जो शेलो पॉट होते हैं उसमें दे रखे हैं और बुद्धा रखे हुए हैं। अभी मनी प्लांट थोड़ा सा अजीब सा हो गया, अब गर्मी आएगी तो अब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये इसकी बेल जो है वो यहाँ से चढ़ती है और बहुत सुंदर लगता है, इसका भी मैंने डाला हुआ है वीडियो। नेक्स्ट दोस्तों देखिए ये मेरा फेवरेट है और मैंने बहुत मेहनत करी थी इस DIY में, और ये है जेड प्लांट का मेरा एक, मैंने एक झूला टाइप का बना रखा है बच्चों का। तो ये देखिए कितना प्यारा है, अभी यहाँ से इसका जो खाली है मगर ये भी भर जाएगा, तो ऊपर से ही भर जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा ये भी। तो ये भी मैंने शेलो पॉट में बना रखा है, ये सब ट्री गार्डनिंग है तो ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, मैं धीरे धीरे इसे बढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत शौक है ट्रे गार्डनिंग का। और नेक्स्ट है दोस्तों ये अभी इसके पत्ते वगैरह हट गए हैं, अब थोड़ा सा गर्मी आएंगी तो अब इसके पत्ते वगैरह दोबारा से आ जाएंगे। ये मेरा अडेनियम का प्लांट है, इसे भी मैंने इस टाइप के शैलो पॉट में लगा रखा है। और नेक्स्ट है दोस्तों ये मेरे टायर्स वगैरह, तो ये भी मैंने वीडियो डाली हुई है, ये हमारी कार वगैरह स्कूटर और जो मोटरसाइकिल होती है उनसे निकले हुए टायर्स होते हैं उनका मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आप इसके में मिट्टी डाल के प्लांट भी लगा सकते हैं और अलग से जो नर्सरी पॉट होते हैं ना उनमें भी उन्हें लगा उनमें डाल के भी प्लांट लगा सकते हैं। तो मैं धूप में रखने के लिए रख देती हूँ प्लांटर को। तो ये देखिए इस तरीके से बनाया था मैंने, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है मेरा। नेक्स्ट है दोस्तों ये आंटियाँ, अंकल आंटी दोनों हैं, तो ये देखिए ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें मैंने सदाबहार का प्लांट लगा रखा है, ये भी मेरी एज यूजल जो सफोला की केन है उससे बना रखा है, और ये कुछ डिश वॉश वगैरह होते हैं उनसे मैंने बॉटल से बना रखा है, ये भी देखिए कितने प्यारे लगते हैं दूर से। तो नेक्स्ट दोस्तों ये पोटोला का, तो उससे मैंने बना रखा है ये इस टाइप का, इसे
आप टावर भी कह सकते हैं मेरा। तो अभी ये फिर से देखिए ग्रीन ग्रीन होने लगे हैं इसके जो पत्ते हैं, ये अब इसका सीज़न आ गया है तो दोबारा से ये अच्छा हो जाएगा। और इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है और ये ना बहुत सुंदर लगता है। दूर दूर से मेरे पास देखते हैं ना जब लोग, तो पूछने आते हैं मेरे नेबर्स वगैरह कि ये क्या है, कैसे बनाया। तो ये मैंने बनाया है वही जो हमारी बॉटल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, उसको उसमें मैंने जो ये पाइप होते हैं उसके पानी वगैरह की, तो उसे मैंने यूज़ कर रखा है। आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों, ये मैंने देखिए टाइल से पॉट बना रखा है, टाइल से। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। टाइल्स को मैंने जॉइंट करके सीमेंट वगैरह, वाइट सीमेंट वगैरह से, ये मैंने मधु कामिनी का पौधा लगा रखा है। तो देखिए ये भी कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, कितना हेल्दी प्लांट है। तो ये भी बहुत अच्छा मेरा DIY है दोस्तों। इनमें मेहनत लगती है स्टार्टिंग में, बट जो उसके बाद बनने के बाद रिजल्ट आता है ना, आप देख सकते हैं, इन्हें देख के ना वाकई में दिल खुश हो जाता है। इतने प्यारे DIY हैं और स्माइल करता है कोई किस टाइप का, कोई किस टाइप का, अपनी मेहनत है तो बहुत खूबसूरत लगता है। आपको इनमें से कौन सा DIY पसंद आया है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो DIY बनाने में तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।